दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे आप लोग पेटीएम में अकाउंट बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज भी बहुत से लोग हैं जो कि पेटीएम चलाना नहीं जानते हैं या फिर वो न्यू ज्वाइन होने वाले हैं पेटीएम पर, तो ये वीडियो उन सभी के लिए हैं। या फिर आप ऑलरेडी पेटीएम यूज़ करते हो और आपकी कुछ चीज़ वहाँ पर मिसिंग है, जैसे KYC या कुछ भी आपका वहाँ पर पूरा नहीं है, तो आप इस वीडियो को देख करके उसे पूरा कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे बनाना, इसको यूज करना और आप इसमें वॉलेट में पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं कार्ड के थ्रू, या फिर KYC कैसे करनी है, इंस्टेंट KYC, मिनी KYC और फुल KYC, या फिर आप पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। मैं हूं दामू, आप देख रहे हैं टेक्निकल थेरेपिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने पेटीएम को प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और इसका लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से आकर के इसको इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और आपने इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपकी बैंक के साथ में कनेक्टेड है। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इधर क्लिक करते हैं, अब आपसे कुछ परमिशन मांग रहा है वो दे दीजिए, फिर से अलाउ कर दीजिए। अब जैसे आप ये दे देते हैं, अब एक जो आपका OTP है वो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा और जो कि OTP आ चुका है और ये ले भी लिया गया है, यहां पर वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपको कुछ इस तरह से बोलेगा, सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए, तो आप चाहते हैं तो लिंक करें लेकिन मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, तो आप इधर स्किप पर क्लिक करेंगे। जैसे आप स्किप पर क्लिक करते हैं, अब आपसे मिनिमम KYC के लिए बोल रहा है, तो आप इधर पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू जो है वो KYC कर सकते हैं। हम लोग इधर जो है वोटर आईडी चूज करने वाले हैं, तो वोटर आईडी चूज करने के बाद यहां से आप अपना वोटर आईडी नंबर और उस पर क्या नाम है आपका वो एंटर करेंगे कुछ इस तरह से, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट कर देते हैं आपकी जो है KYC हो गई है और ये 18 मंथ के लिए वैलिड भी हो गई है। अब आप ये जो क्रॉस वाली सर्विसेज हैं इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप अपना इंस्टेंट KYC करेंगे आधार के थ्रू, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां से आपने अब आगे जाना है और यहां पर आई डू इट लेटर पर क्लिक करना है। अब आपने अपनी आधार KYC करनी है तो आप इधर अपना प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करते हैं, फिर से एक बार और इधर क्लिक करेंगे, अब आपको इधर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहां पर आपको KYC पेंडिंग पर जाना है। अब इधर आपकी देखिए लिमिट दिख रही है 10,000 पर मंथ, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो अपग्रेड अकाउंट एंड अनलॉक बेनिफिट पर क्लिक करेंगे। इधर क्लिक करते ही आपको ये सारी सर्विसेज जो हैं ये मिल जाएंगी कि आप अगर बढ़ाते हो तो ये आपको करने को मिल जाएगा। अब आपने अपग्रेड योर अकाउंट नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इधर क्लिक करते हैं, अब आपको वीडियो KYC के लिए ऑप्शन मिलेगा, तो यहीं पर आपने आधार नंबर के लिए मिलता है, तो आप इधर क्लिक करेंगे। अब आप इधर अपना आधार नंबर और आधार पर क्या आपका नाम है वो एंटर करके इस तरह से और प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, अब एक OTP आएगा आपके आधार के साथ जो लिंक नंबर होगा उस पर, तो वो OTP आप इस तरह से डालेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी पूरी जो है वो डिटेल खुल जाएगी। तो आपने इधर जो है कुछ चीज़ें करनी होंगी और भरनी होंगी वो डाल दें इस तरह से, उसके बाद आपने प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपका जो है फुल KYC हो गई है और आपकी लिमिट भी देखिए 2,00,000 हो गई है और डेट भी बढ़ चुकी है, तो आपकी ये KYC हो गई है। इसके थ्रू आप पूरा वो है जो यूज कर सकते हैं पेटीएम, लेकिन आप फुल KYC करना चाहते हैं तो ऊपर आपको एक वीडियो मिलेगा उसके थ्रू पूरी फुल KYC कर सकते हैं, जो कि मैंने कल ही वीडियो बनाया है। तो अभी चलते हैं बैक और आगे की चीजें सीखते हैं। जैसे अगर आपने अपने वॉलेट में मनी ऐड करनी है तो आप ऐड मनी पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको अमाउंट देनी होगी जितनी अमाउंट आप डालना चाहते हैं, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। और आपको जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, यहां से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अपने मम्मी पापा किसी का भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करेंगे। यहां पर आप अपना क्रेडिट नंबर और उसके बाद जो एक्सपायरी होती है वो CVV नंबर एंटर करने के बाद कुछ इस तरह से पे पर क्लिक करेंगे। जैसे आप पे पर क्लिक करते हैं, अब एक OTP आएगा बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर कनेक्ट होगा, कुछ इस तरह से जो है वो डाल देंगे और उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप पेमेंट पर क्लिक करते हैं प्रोसेस हो रही है और ये जैसे प्रोसेस हो जाती है आपके पैसे जो हैं आपके वॉलेट में आ जाएंगे कुछ इस तरह से। अब चलते हैं होम पर और होम पर सीखते हैं कि अब आपने कैसे अपना बैंक और कार्ड ऐड करना होता, तो आप प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर से प्रोफाइल पर जाएंगे।
अब नीचे जो है वो स्क्रॉल करेंगे कुछ इस तरह से, देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको मिल जाएगा यहाँ पर पेमेंट सेटिंग। तो जैसे आप इधर क्लिक करते हैं आपको इधर टॉप में मिलेगा सेव्ड पेमेंट डिटेल्स, तो आपने इधर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपका कार्ड जो आपने अभी पैसे ऐड किए थे वो भी देखने को मिल जाएगा और बैंक भी। अगर आप कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा प्रोसीड पर। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी डालने के लिए, कार्ड नंबर और यहाँ पर देखिए ऊपर जो बॉक्स है कार्ड नंबर डालेंगे और नीचे एक्सपायरी और सीवीवी नंबर डाल करके नीचे सिंपली आपने पे रुपए वन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इधर क्लिक करते हैं आपका एक रुपया उस कार्ड से जा करके आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं आपका देखिए कुछ इस तरह से जो है वो प्रोसेस होगा, आपका जो है एक ओटीपी आएगा तो वो डालना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो इस सबमिट वाले बटन पर जो है आपका एक रुपया जो है वो आपके वॉलेट में आ जाएगा प्रोसेस होने के बाद में। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस हो रही है, अब ये देखिए सक्सेसफुली हो गया है, तो हमारा वॉलेट में पैसा भी जा चुका है और यहाँ पर हमारा मैसेज भी आ चुका है, तो वॉलेट में रुपये भी चले गए हैं और कार्ड भी ऐड हो चुका है। अब इसी तरह से सिमिलरली हम देखते हैं बैक करके, देखिए कार्ड हमारा ऐड हो चुका है और आपने सिमिलरली अगर बैंक ऐड करना है तो आप ऐड न्यू बैंक पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से ऐड बैंक पर जाएंगे और यहाँ से बैंक चूज करके अपना सिमिलरली बैंक भी ऐड कर लेंगे। तो हमारा बैंक ऑलरेडी यहाँ पर देखिए ऐड है, ये मोबाइल नंबर के साथ में था। अब आप इस बैंक का अगर UPI सेट करना चाहते हैं तो आप UPI सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखिए सेट UPI पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपने अपना जो है डेबिट कार्ड जो है उसका लास्ट नंबर और यहाँ पर अपना एक्सपायरी डालकर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अगर नहीं है वैलिडिटी तो 1/49 डालेंगे, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं अब आपने इधर से अपना OTP जो है वो आएगा वो डालेंगे और यहाँ से अपना फर्स्ट आपने सेट UPI पिन करना होगा जो भी है 4 नंबर का, तो आप अपने फेवरेट यहाँ पर डालेंगे अंक और उसके बाद अपना UPI सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ से सेट कर लिया, उसके बाद राइट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर जो भी सेट किया है उस पर राइट पर क्लिक करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे फिर से जो आपने डाला था जो है, उसके बाद आप राइट पर फिर से क्लिक करें। तो आपका इस तरह से जो है UPI भी सेट हो चुका है और यहाँ से आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं चेक बैलेंस पर क्लिक करके। तो चेक बैलेंस करना है तो आप अपना UPI डालेंगे और उसके बाद राइट पर क्लिक करेंगे, आपका जो खाते में पैसा होगा आपके बैंक में वो देखने को मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं दूसरी चीज़ों की कि कैसे आपने जो है अपना किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपने पे पर क्लिक करना होगा जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर पे, और आप अगर स्कैन करके देना चाहते हैं तो स्कैन यानी QR कोड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इधर क्लिक करते हैं आपका जो है स्कैनर ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से और नीचे देखने को मिल जाता है मोबाइल नंबर और UPI ID, तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर और UPI ID डाल के भी पे कर सकते हैं। लेकिन स्कैनर से कैसे करना होगा, आपने स्कैनर के आगे अपना फ़ोन ले जाना होगा कुछ इस तरह से और ये स्कैन कर लिया जाएगा। तो जैसे स्कैन कर लेता है अब आपका यहाँ पर देखिए सेंड मनी का ऑप्शन आ जाता है, तो आपने इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपने अमाउंट डाली है कितनी अमाउंट जो है वो करने वाले हैं और आपका नाम भी आ गया आप किसे सेंड करना चाहते हैं। तो अमाउंट डालें कितनी अमाउंट आपने डाली है, तो हम जो है 10 रुपये सेंड करना चाहते हैं, उसके बाद पे रुपये 10 पर क्लिक करेंगे, अपना UPI पिन डालेंगे जो हमने पीछे सेट किया था, इसके बिना नहीं होगा, उसके बाद डाल करके इसको राइट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही राइट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है और हमारे पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं 10 रुपये, मैसेज भी आ गया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस मोबाइल नंबर पर मैंने सेंड किए हैं, तो ये देखिए हमारा 10 रुपये जो अब्दुल कादिर ने सेंड किए हैं तो इस नंबर से सेंड हो चुका है। अभी चलते हैं होम पर और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है हमें। तो रिचार्ज एंड बिल पे है, तो यहाँ से आप रिचार्ज और बिल पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मोबाइल का रिचार्ज, ब्रॉडबैंड लैंडलाइन का रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं, DTH का, और यहाँ पर गैस की सर्विसेज हैं, यहाँ पर ये क्रेडिट की, और यहाँ से आपको चालान मिल जाता है और नीचे केबल का TV का वो पेमेंट कर सकते हैं और फी भी पे कर सकते हैं इससे, और बाकी सारी चीज़ें भी हैं जैसे कि मेट्रो का कार्ड का भी आप रिचार्ज कर सकते हैं और बहुत सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आपको मिलता है ट्रैवल एंड फ्लाइट्स के लिए, तो इधर से फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं, बस का टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन का टिकट बुक, होटल बुक कर सकते हैं, ट्रैवल पास बना सकते हैं, ट्रैवल गाइड्स भी देख सकते हैं, और नीचे आपको बहुत सारी सर्विसेज जो हैं देखने को मिल जाती है, जैसे कि शॉपिंग भी कर सकते हैं आप इससे जो है हमारा पेटीएम मॉल करके, तो यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और अपने सभी दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करना, और आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, बाय बाय।